भूमि बेचने का मामला हुआ दर्ज। राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कुटची दस्तावेज एवं षड्यंत्र पूर्वक अपने नाम करवाई भूमि। भूमाफिया ने विवादित भूमि का रजिस्ट्री करवाकर किया कब्जा। पिता की मौत, बड़ी बहन ने करवाई अपने नाम भूमि। गोविंदगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस थाना गोविंदगढ़ के बलेखन गांव का है मामला। राजधानी के जयपुर ग्रामीण के पुलिस थाना गोविंदगढ़ के ग्राम बलेखन निवासी एक महिला ने धोखाधड़ी से काश्त की भूमि बेचने व खरीदने वालों के खिलाफ पुलिस थाना गोविंदगढ़ में मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित पक्ष छोटी देवी पुत्री भूरामल जान निवासी ग्राम बलेखन ने गोविंदगढ़ में मामला दर्ज करवाया। गोविंदगढ़ पुलिस ने बताया कि पीड़िता की बड़ी बहन विधा देवी ने पुत्री भूरामल अन्य वारिसान के तथ्य छुपाकर विवादित कृषि भूमि अपने नाम से नामांतरण खुलवा लिया और दिनांक 12 नवंबर 2021 को उक्त भूमि का विक्रय पर अंजना पत्नी हरिकिशन, कामना पत्नी पपेंद्र निवासी ग्राम बलेखन तहसील चौमू व संगीता पत्नी विवेकानंद तंवर निवासी चांदजी वाली ढाणी रिंगस रोड चौमू के नाम से करवा दिया। इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। उक्त विवादित भूमि रकबा 7/10 बिस्वा है। उक्त भूमि की खातिरदारी पिता भूराराम की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि की खातिरदारी भाई गोपाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही, किंतु गोपाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि की खातिरदारी प्रार्थिया की बड़ी बहन विधा देवी ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर षड्यंत्र रचकर अपने नाम रिकॉर्ड करवा ली, जबकि उक्त भूमियों पर छोटी देवी वह उसकी बहनों का बराबर हिस्सा निहित था। पहले दादाजी का नाम जी पूर्ण मल गए, फिर पूर्ण मल के मेरे पापा का नाम भाई बूढ़ जी का, और बूढ़ जी का फिर शेजू का नाम छह तो भाण छीरे एक भाई सो फिर भाई का नाम होगी। मैं छह पांच भाण तो टाल दी और भाई ने 100 वर्ष हो गया बाद का माँ ने विद्या देवी इकली नाम करा ली, माँ ने कोई मालूम ही नहीं पड़ा। और अत दिन में बाबा खाया चार मैं कुआ पर जहाँ चाहे मन धमख्या पिलावा चेर मारा चल गया वो टेस्ट जान से मारा ला ये धमख्या पिलावा से मैंने पुलिस में गया तो मैंने पुलिस वाला भी कुछ सुना।